हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज ना मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि होने वाली है ये मार्स के मेकअप फिक्सर की। तो मैंने ये मार्स के मेकअप फिक्सर को काफी टाइम से यूज कर रही थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू। तो मैंने ना इसको काफी टाइम पहले परचेज करा था, तो मेरे को ना इसको यूज करते हुए आई गेस 6 मंथ्स तो हो गए हैं। तो अब मैं इसका प्रॉपर रिव्यू आपको दे पाऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की, जो कि कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आता है। एंड इस बॉक्स पे मेंशन है मार्स सील द डील मेकअप फिक्सर, और ये प्रोवाइड करता है नेचुरल फिनिश, लॉन्ग लास्टिंग, और इस पे यहाँ पे मेंशन है कि डिजाइंड इन इंडिया। आई होप सो यू आर एबल टू सी। ओके, एंड इसका नेट वेट है 60 ml। एंड द प्राइस ऑफ दिस मेकअप फिक्सर इज ओनली 299 रुपीज, जो कि आपको ऑलवेज सेल में मिल जाएगा। 250 और 260 रुपीज में आपको इजीली मिल जाएगा ये अमेजोन पे। एंड इसकी जो एक्सपायरी है ना, आपको 4 इयर्स की मिल जाती है, विच इज क्वाइट गुड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट यूज सो मेनी मेकअप फिक्सर्स, तो मैंने ये वाला यूज करा है एंड ये मेरे को रियली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू। सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने खुद के पैसे लगा के ये वाला प्रोडक्ट जो है परचेज करा है, देन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो इसको ना आप ओपन कर लेते हैं, एंड हियर इज द प्रोडक्ट। जो कि लग्जरी पैकेजिंग के साथ आता है, एंड ये ना प्लास्टिक बॉटल है। सो इसपे भी ना यहाँ पे मार्स लिखा था, बट वो काफी टाइम से मेरे को ना यूज करते करते हो गया है, तो ये ना मिट गया है, यहाँ से रिमूव हो गया है वो। एंड जो इसपे मेंशन है, मार्स सील द डील मेकअप फिक्सर इज द परफेक्ट मेकअप फॉर दैट हाइड्रेटेड ड्यूई बेस एंड लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। इट मेल्ट्स योर मेकअप ब्यूटीफुली एंड प्रोलॉन्ग्स इट फॉर अप टू 8 आवर्स। सो इसपे मेंशन है कि 8 आवर्स तक ये आपके मेकअप को मेल्ट नहीं करता है, आपके फेस पे जो है मेकअप 8 आवर्स तक काफी अच्छे से लगा रहेगा। तो अभी जो मैंने मेकअप करा है ना, मैंने इसी मेकअप फिक्सर से सेट कर रखा है, एंड आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लोई लग रहा है, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है हाइड्रेटेड एंड ड्यूई बेस। एंड आई एम एन ड्राई स्किन पर्सन, सो मेरे लिए जो ये वाला मेकअप फिक्सर है काफी अच्छे से वर्क करता है, बिकॉज मेरे फेस में चाहिए हाइड्रेशन एंड ड्यूइनेस। एंड ये वाला जो मेकअप फिक्सर है ना, काफी अच्छे से मेकअप को ब्लेंड कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा मेकअप काफी अच्छे से अभी ब्लेंडेड लग रहा है। और आप इसे किसी भी मेकअप पे यूज कर सकते हो, अगर आपने लाइट मेकअप करा है और हैवी मेकअप करा है तब भी आप इसे किसी भी मेकअप पर यूज कर सकते हो। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप करा, देन इस स्प्रे से मैंने सेट कर लिया। उससे क्या होता है, मेरा मेकअप ना मेरे फेस पे स्टे रहता है, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, मेरा मेकअप मेल्ट भी नहीं होता। और इसमें मेंशन है कि 8 आवर्स तक आपके मेकअप को ये स्टे करके रखेगा आपके फेस पे, बट आई फील दैट कि मेरे फेस पे 6 से 7 घंटे ही चल पाता है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली मेकअप मेल्ट होने लगता है। बट अगर आप इस मेकअप फिक्सर को विंटर्स में यूज कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा स्टे देता है, मेकअप को बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करता है विंटर्स में। और इसको अप्लाई करने के बाद ना, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने बहुत ज्यादा हैवी कुछ अप्लाई करा हुआ है, बहुत ही लाइट वेट है ये, और ये ना बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो मैंने ये वाला जो मेकअप फिक्सर है, मैंने परचेज करा था अमेजोन से। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं, नायका पे भी अवेलेबल है, और आपको purple.com पर भी मिल जाएगा, और टीरा पे भी अवेलेबल है। तो मार्स ब्रांड जो है ना, वो इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ ना उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। तो मेरे को पर्सनली जो है मार्स के प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद है। एक तो वो अफोर्डेबल है, मेड इन इंडिया है। एंड अब ना मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स आपको रीड करके बता देती हूँ। वाटर, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, पैंथिनॉल। एंड जो स्प्रे की फ्रेग्रेंस है ना, वो काफी ज्यादा माइल्ड सी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। चलो अब ना मैं इसका डेमो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो मैंने 3 आई शेडोज अपने हैंड पे ले लिए हैं, और अब हम करने वाले हैं स्प्रे। जैसे कि आप देख सकते हो, स्प्रे जो है ना इसका, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो कई बार ऐसा होता है ना, एक बार स्प्रे करने में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट निकलता है, या कई बार निकलता ही नहीं है, तो इसका स्प्रे जो है काफी ज्यादा अच्छा है। एंड थोड़ा सा ना इसको ड्राई होने देते हैं, तो ये ऐसे ना रब करने से बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में और क्या चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए, टिल देन, बाय बाय।